अगर सबसे ज्यादा किसी चीज का क्रेज है तो वो है हैकिंग। आज हर कोई हैकर बनना चाहता है और इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, पर बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो अगर आपको भी डॉस कमांड, वायरस, नेटवर्क ऐसी चीजों से आपको एक्साइटमेंट होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हैकिंग होती क्या है, हैकिंग के कितने टाइप्स है, एक हैकर कितना अर्न कर सकता है, हैकर बनने के लिए क्या क्या चाहिए और एक सर्टिफाइड हैकर बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो बात करते हैं हैकिंग और हैकर्स की। जब भी हम हैकिंग और हैकर्स जैसे वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में चोरी या इलीगल जैसी चीज़ें आती हैं, पर ये पूरी तरह से सच नहीं है। हैकिंग का एक अच्छा पार्ट भी है और एक बुरा पार्ट भी है। हैकिंग तब होती है जब कोई इंसान सिस्टम की जो कमियां होती हैं उसमें जो लूपहोल्स होते हैं उनका पता लगा लेता है और उसमें एक्सेस कर लेता है। तो बेसिकली हैकर्स दो टाइप के होते हैं, पहला है व्हाइट हैट हैकर और दूसरा है ब्लैक हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर उसे कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन लेता है, जिस भी सिस्टम में वो एक्सेस करना चाहता है, जिस भी सिस्टम को हैक करना चाहता है उससे पहले वो परमिशन लेता है, उसके बाद उसको हैक करता है और उसमें बताता है कि इस जगह पे यहाँ पे कमी है, यहाँ पे लूप होल्स है, उसमें आप सुधार कर सकते हैं, उसके बदले उसको पैसे मिलते हैं। जबकि ब्लैक हैट हैकर जस्ट अपोजिट होता है व्हाइट हैट हैकर के, वो किसी की परमिशन नहीं लेता है और वो डायरेक्ट हैक करता है और उसके बदले में पैसे मांगता है या फिर बिटकॉइन कोई भी चीज़ वो अपने फायदे के लिए मांगता है, जो कि एक इलीगल चीज़ है। तो आपने रिसेंटली सुना होगा वानाकॉय रैंसमवेयर के बारे में, जो एक वायरस अटैक था जो बहुत से कंप्यूटर को इन्फेक्ट हुआ था, उसे ब्लैक हैट हैकर्स ने किया था। तो इस तरह से आप ब्लैक हैट हैकिंग को समझ सकते हैं। तो अब बात आती है कि हैकिंग में करियर का क्या स्कोप है और आप कितना अर्न कर सकते हैं। बड़े बड़े बिजनेसेस जैसे कि गूगल, फेसबुक, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, बैंक्स होते हैं, पुलिस जो होती है, वो सारे हैकर्स को हायर करते हैं ताकि वो अपनी नेटवर्क की सिक्योरिटी को और भी मजबूत बना सके, ताकि उनमें कोई चोरी ना हो सके, कोई थेफ्ट ना हो सके, उनको कोई हैक ना कर सके। तो ये एक व्हाइट हैट हैकर का काम होता है। इथिकल हैकिंग का मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है और अगर बात करें डिमांड की तो लगभग साल भर में 75,000 हैकर्स की डिमांड होती है हमारे देश में, लेकिन 15,000 ही हमारे देश में हैकर्स बन पाते हैं लोग। और हैकिंग का मार्केट बहुत तेजी से ग्रो भी करने वाला है और भी तेजी से करेगा। बात करते हैं सैलरी की, तो अगर आप अच्छी कंपनी में किसी में जाते हैं जो एक रेप्यूटेड कंपनी है तो आपको साल के आराम से 2.5 लाख से 3 लाख का मिल सकता है, और अगर आपका काम करते करते एक्सपीरियंस हो गया तो 10 से 12 लाख तक भी आराम से आप कमा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि एक हैकर बनने के लिए क्या क्या टूल्स हमें चाहिए, क्या क्या जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमें चाहिए। तो एक अच्छे कंप्यूटर के अलावा ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको हैकर बनने के लिए चाहिए। उसमें से पहला है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे हैकर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि नॉर्मल विंडोज पीसी में आप हैकिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपको हैकिंग सीखनी और हैकिंग करनी है तो लिनक्स में करनी होगी, और हैकिंग से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं वो लिनक्स के लिए बने होते हैं। और दूसरा चीज़ है हाई स्पीड इंटरनेट। ये भी एक बहुत एसेंशियल रिक्वायरमेंट है हैकिंग करने के लिए, क्योंकि आपको नेटवर्क में एक्सेस करना होता है, उसके लिए आपको बहुत ही तेज इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। तो इससे पहले कि आप सीधा जाकर किसी हैकिंग कोर्स में इनरोल करा लें, कुछ बेसिक नॉलेज है जो आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको सीखने टाइम कोई परेशानी ना हो। तो वो बेसिक नॉलेज में पहली स्किल है, वो है बेसिक कंप्यूटर स्किल। आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल आना चाहिए कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट किया जाता है, इसमें इंटरनेट कैसे ऑन किया जाता है, इंटरनेट कैसे चलाया जाता है, डॉस कमांड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कौन कौन से डॉस कमांड है, और जितने भी डॉस कमांड है वो सब आपको याद होने चाहिए, कैसे लिखा जाता है, उसका क्या रिजल्ट होता है, फिर रजिस्ट्री क्या होता है, रजिस्ट्री में क्या काम होता है, रजिस्ट्री को कैसे एडिट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेसिक कंप्यूटर स्किल में। दूसरा स्किल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी एप्लीकेशन जब हैक किया जाता है तो उसका कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना होता है, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल C++, HTML और स्क्रिप्ट जैसे कि रूबी, पर्ल, पाइथन, ये सारी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आपको थोड़ी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। इसमें आपको मास्टरी करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बेसिक ज्ञान होना चाहिए सब चीज़ का, ताकि आप अच्छे से हैकिंग कर पाएँ। आप जितना ज़्यादा लैंग्वेज के बारे में जानिएगा उतना ज़्यादा हैकर आप अच्छा बन पाइएगा। तीसरी चीज़ है नेटवर्किंग स्किल। इसकी भी बेसिक जानकारी जैसे कि TCP, IP, सबनेट, टेलनेट, ये सब चीज़ें क्या होती है, IPv4 क्या होता है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। चौथा चीज़ है लिनक्स स्किल। इससे पहले मैंने बताया था आपको लिनक्स अच्छे से चलाना आना चाहिए, जिस तरह से आप अपने विंडोज PC को चलाते हैं, इसके सारे सिस्टम को समझते हैं कि यहाँ से क्या काम होगा, वहाँ से क्या काम होगा, इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज़ों का ज्ञान आपका पास होना चाहिए। फिफ्थ नंबर पे है डेटाबेस नॉलेज। किसी भी वेबसाइट को हैक करने के लिए आपको डेटाबेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। डेटाबेस क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको इंसर्ट कैसे किया जाता है, इसे क्रिएट कैसे किया जाता है, इसे डिलीट कैसे किया जाता है, ये सारी बेसिक स्किल्स अगर आपके अंदर है तो आप हैकिंग का कोर्स आराम से ले सकते हैं।
इसके लिए आप किसी लोकल इंस्टीट्यूट अगर कोई हैकिंग आपको सिखाता है तो वहाँ पे आप जाकर सीख सकते हैं, वरना ऑनलाइन तो आपको सब कुछ मिल ही जाता है। और आप हैकिंग के फील्ड में सर्टिफाइड हैकर भी हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं CEH, सर्टिफाइड इथिकल हैकर, जो इसी काउंसिल के द्वारा दिया जाता है, जो आप इसके वेबसाइट में जाकर डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। इसमें अलग अलग जो है सर्टिफिकेशन आपको मिलेगी अलग अलग लेवल पर। इसमें आपको $500 तक की फी देना पड़ता है और आपका टेस्ट लिया जाता है। जब आप वो टेस्ट क्लियर कर लीजिएगा तो उसके बाद आप सर्टिफाइड हो जाते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जब भी आप हैकिंग के जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आसानी से जॉब मिल जाता है। तो अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक फॉलो किया, इसका मतलब आप हैकिंग में अच्छी तरह से इंटरेस्टेड हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ हैकिंग कोर्सेज से रिलेटेड लिंक दे दिए हैं, जो बेसिक से लेकर एडवांस तक के हैं, वहाँ पर आप जाके कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। और अंत में लाइक करें ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में मुझे बताएं कि आप